कहते हैं ना, वो हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ये इनके जो हस्बैंड है उनका हाथ है इनके, माशाल्लाह, डेटा एनालिस्ट के रोल में आने के यस यू कैन से लिए। दैट। आपको एक ब्रिज चाहिए होता है, मतलब आपको एक ब्रिज चाहिए होता है कि आपने एक इंडस्ट्री, आप एजुकेशन इंडस्ट्री से निकल के एक टेलीकॉम इंडस्ट्री या व्हाटएवर इंडस्ट्री, आप जिसको भी आपने टच किया हुआ है, एक दरमियान में ब्रिज होता है। तो डाइस मुझे लगता है एक ब्रिज है कि यस जो एजुकेशन एजुकेशनल करियर के बाद 6 महीने 7 महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की ले आता है इंसान के अंदर कि वो जाके इंडस्ट्री में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सके। और आई वुड सजेस्ट दैम कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बजाय वर्टिकल ग्रोथ पे फोकस करें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जो डेटा एनालिस्ट के रोल पे आना चाह रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टली बहुत सारे स्किल्स गेन कर रहे होते हैं, बट वो उन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को टारगेट नहीं कर रहे होते जो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए चाहिए। और जिस तरह हमारे पास भी रेज्यूमेज आते हैं तो मैं उसमें देखती हूँ कि उनके पास बहुत से डाइवर्स स्किल्स होते हैं, बट जो हमें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनमें उनकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती। स्टिल यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में रगड़ा इसी वजह से है क्योंकि ये ऑन प्रिमिसेस काम करवा रहे हैं, और ऑन प्रिमिसेस में आपका कॉन्सेप्ट इतना, आप उस पर इतना ग्रिप पकड़ लेते हैं कि आपको फिर क्लाउड वाली चीज़ बहुत, मतलब आपके लिए हलवा लगती है। या अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ यूथ ऑन द राइज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट उमर चौधरी, और आज हम लोग एक डिफरेंट किस्म की एपिसोड लेकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक डाटा साइंटिस्ट फ्रॉम ब्लू टेक कंसल्टिंग, ये डाइस एनालिटिक्स के एलुमनाई भी हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं अनिका एजाज जो कि डाटा एनालिस्ट हैं व्यूलेटिक्स में, हु इज़ ऑल्सो एलुमनाई ऑफ डाइस। सो प्लीज़ वेलकम बोथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो मकसद ये था बुलाने का आप लोगों को कि हम लोग आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में जान सकें कि आफ़्टर यू स्टेप इनटू योर प्रोफेशनल करियर्स तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और माशाल्लाह वी कीप हियरिंग स्टोरीज़ अबाउट योर सेल्फ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें माशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो ये सारा कुछ था। तो अहमद, आपसे पहला सवाल ये होगा कि वट इज़ बिन योर जर्नी सो फार इन डेटा साइंस? ब्लू टेक कंसल्टिंग वॉज योर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू स्टिल वर्किंग देयर, और मुझे ये भी पता है आपके बारे में कि आप जेन एआई के अंदर काम कर रहे हैं, और वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जो कि बेसिकली एक वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स जिसमें बेसिकली जेन एआई हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लाजमी बताइएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट, मैंने ब्लू टेक कंसल्टिंग में ज्वाइन किया। आफ्टर दैट आई हैव बीन विद डिफरेंट वेरियस क्लाइंट्स। एसटीसी बहरीन के लिए मैंने डेटा इंजीनियरिंग में काम किया, देन आफ्टरवर्ड मैंने डेटा साइंस के अंदर एसटीसी बहरीन के एक और डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ डेटा साइंस के अंदर काम किया, देन उन्हीं के डैशबोर्डिंग के ऊपर काम किया। सो आफ्टर दैट हम एक नई इमर्जिंग फील्ड आ गई जेन एआई की, जनरेटिव एआई की, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ पीओसीज बनाए, वो हमने काफ़ी फ्लोट किए काफ़ी उसके अंदर कॉरपोरेट्स के अंदर, एंड आफ्टर दैट हमें कुछ रिस्पॉन्सेज मिले फ्रॉम एसटीसी बहरीन एंड देन फ्रॉम अलाइड बैंक लिमिटेड। सो अलाइड बैंक लिमिटेड इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर हम लोगों ने जनरेटिव एआई को लाइव करवाया, एंड राइट नाउ उनके जितने सीटीओज, सीएफओज एंड सारे वो सब के सब जो उनसे हैं उससे आप कह लें कि फ़ायदा ले रहे हैं, एंड लाइक दैट कि आप कहें कि फॉर एग्जांपल अगर पहले इस तरह से होता था, चैट बॉट्स बने होते थे, चैट बॉट्स आपके साथ इंटरेक्ट करते थे एज अ लाइक रूल बेस्ड थिंग, कि रूल बेस्ड के ऊपर आपने कुछ क्वेश्चंस पहले से प्री बिल्ट क्वेश्चंस रखे होते थे, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर चैट बॉट आपको वो आंसर दे देता जो वो आपने बनाए होते थे। सो राइट नाउ चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, जनरेटिव एआई आ गया, अब आपके साथ उस तरह से इंटरेक्ट करता है वो चैट बॉट जिस तरह से एक ह्यूमन बैठा हुआ है या ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है आपके साथ, सो लाइक इन सच अ वे। और so, अभी तक कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया आपका? 3 ईयर्स। माशाल्लाह, सो दैट्स सो मच इन 3 ईयर्स। आप एक चीज़ शायद भूल गए हैं, हम लोग डाइस एनालिटिक्स में भी काम किया करते थे। हम डाइस एनालिटिक्स में फर्स्ट जॉब वॉज फ्रॉम डाइस एनालिटिक्स, हम वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था आपको याद हो तंजानिया का, उसके ऊपर हम लोगों ने एज अ डेटा साइंटिस्ट मैंने काम किया, देन फिर हमने WHO का एक प्रोजेक्ट आया उसके ऊपर हमने काम किया, देन मूविंग फॉरवर्ड हम ट्रेनिंग के अंदर आ गए, और ट्रेन अभी तक स्टिल वी आर ट्रेनिंग पीपल हियर एट डाइस एनालिटिक्स। तो ये एक हमारा मेरा जर्नी है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। सो शुरू से बल्कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि पहले तो आपने डाइस एनालिटिक्स में ट्रेनिंग ली, कोर्स किया, तो हाउ हैज़ बिन योर जर्नी, कैसे सुना डाइस के बारे में और कहाँ से कहानी शुरू हुई? सो मेरे बड़े भाई थे डाइस के अंदर, एक्चुअली वो ट्रेनर थे यहाँ पे, और अलबाब और उससे पहले मैं 2018 में पहली दफ़ा मैंने कोर्स लिया, हारून, एक हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे हारून लतीफ़,
और उनसे मैंने लिया था बिजनेस एनालिटिक्स का। ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं आजकल। या एग्जैक्टली। और वो है अरुण, इफ यू आर लिसनिंग, सलाम अलैकुम। तो देन बीए का कोर्स लिया, बीए के कोर्स के बाद फिर डाइस, मतलब उस टाइम मेरा आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर था, और उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होगी डाइस के साथ। फिर मैंने ऑनवर्ड्स डेटा वेयर हाउस, डेटा साइंस, ये सारे लिए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक जर्नी कम्प्लीट होनी चाहिए आपकी, फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल, एसक्यूएल के बाद फिर आप डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस के बाद तो आप एक फुल स्टैक बनते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपने मतलब जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो उसके न्यूमरस पार्ट्स के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो लाइक दैट हम आप कह लें कि अब हम फुल स्टैक डेवलपर हैं डेटा के अंदर, और ये सारी इसी तरह से हम लोग फिर आगे ऑनवर्ड्स। दैट्स वेरी गुड। सो अनिका, मेरा यही सवाल आपसे भी होगा कि हाउ हैज बीन योर जर्नी सो फार, योर की माइलस्टोन्स डाइस में जब आपने ट्रेनिंग ली उसके बाद से क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? सो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस बैक इन 2018, उस टाइम पे आई वॉजन्ट रियली श्योर अबाउट माई करियर गोल्स। बस मुझे शौक था कि मैंने किसी बड़ी सी कंपनी में काम करना है। सो आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई अप्लाइड फॉर एन एंट्री लेवल रोल एट S&P ग्लोबल, और वहाँ पे लाइक वो डेटा रिसर्चर का रोल था। और बस आई जॉइंड S&P ग्लोबल हैप्पीली बिकॉज इट वाज अ बिग कंपनी। एंड वहाँ पे लाइक एक साल काम करने के बाद, अपेरेंटली इट वाज अ डेटा एनालिस्ट रोल, बट एक साल काम करने के बाद आई केम टू रियलाइज के दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल रोल एंड दिस विल नॉट हेल्प मी ग्रो इन माई करियर। सो वहीं पर आई मूव्ड इंटरनली टू अनदर टीम, बट अगेन दैट वॉज नॉट अ टेक्निकल रोल, दैट वॉज मोर ऑफ एन ऑपरेशन रोल एंड इट रिवॉल्व अराउंड डेटा कलेक्शन एंड कॉलिंग एंड ऑल दैट। सो वहाँ पर लाइक आई ट्राइड टू मूव टू अ मोर टेक्निकल रोल, और मैंने लाइक काफ़ी इंटरव्यूज दिए बिजनेस एनालिस्ट के, और वहाँ पर आई केम टू नो अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द होल डेटा साइंस मशीन लर्निंग थिंग। सो फिर मुझे ये फील हुआ कि आई शुड मूव टू द टेक्निकल साइड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज करेंटली बिकॉज बैक एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एट एन ऑपरेशन रोल। सो लाइक आफ्टर फोर ईयर्स आई टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई रिजाइंड एंड आई डिसाइडेड कि अब बेशक मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आई एम रेडी टू ट्रांजिशन टू द टेक्निकल डेटा एनालिटिक्स। Yes, so I resigned and I started applying for a technical data analyst role, और फिर like 2 to 3 months बाद I got to know about DiceCamp, और फिर मैंने DiceCamp join किया for again a trainee role, और यहाँ पर 1 month मैंने काम किया, hands-on experience gain किया, and then I got referred for my current role, and currently like I'm working as a data analyst at the Vuelotics, and there I am performing all the 360 degree job responsibility of a data analyst. बैक एंड का जो ATL का काम होता है वो भी मैं कर रही हूँ, और फ्रंट एंड का जो रिपोर्टिंग होती है। सो आई एम लर्निंग अलॉट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, एंड नाउ लाइक आई एम फाइनली हैप्पी विद माई जॉब डिस्क्रिप्शन एंड परफेक्ट। दैट्स इम्प्रेसिव। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू आफ्टर क्विटिंग फ्रॉम S&P एंड वेयर यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन Vuelotics? वो टेन्योर कितने मंथ्स का था? आई गेस इट टुक मी 4 to 5 months। लाइक जब मैंने S&P से रिज़ाइन किया ना, तो उसके बाद लाइक आई वॉज स्टक इन दैट सिचुएशन जहाँ पे मैं रेडी थी कि अब लाइक मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट दैट इज़ नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस। सो वहाँ पे फिर मैं रेडी थी कि बेशक मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। एंड माई हस्बैंड इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ EME, सो ही टोल्ड मी अबाउट सर अली रज़ा अंजुम, और उन्होंने मुझे कहा कि आप उनके पास जाओ, ही विल मेंटर यू। तो फिर कहते ना वो हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ये इनके जो हस्बैंड है उनका हाथ है इनके माशाल्लाह डेटा एनालिस्ट के रोल में आने का। यस यू कैन से दैट। सो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले पावर BI का कोर्स किया, और उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग आई गॉट इन टच विद सर अली रज़ा अंजुम। मैं उनसे मिली और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। अगले दिन से मैंने ज्वाइन कर लिया। सो आई वर्क्ड हियर फॉर ऑलमोस्ट 1 month और यहाँ पे लाइक फाइनली मैंने वो सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया जो पिछले सारे एक्सपीरियंस में नहीं था, और यहाँ पे बहुत गाइडेंस मिली। सर अली रज़ा ने मुझे बहुत अच्छे से मेंटोर किया, और इन अ मंथ आई गॉट रेफर्ड फॉर दिस रोल दैट आई एम करंटली वर्किंग ऑन। और फिर DiceCamp ने ही मेरा इंटरव्यू सेट किया एंड आई गॉट हायर्ड। ओके, तो मेरा नेक्स्ट सवाल अहमद आपसे ये है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे डाइस में, तो उसमें जो यूजली हैंड्स ऑन पार्ट होता है, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी डिफ्रेंशिएट, पिछले 7.5 साल से 8,000 लोगों को इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया,
बाहर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो टैलेंट जो हमने प्रोड्यूस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अमेज़ोन जैसी कंपनीज़ में और गूगल जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हमारा एक मोटो हमेशा से रहा, ये दिस इज़ माई साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन आपसे मैं फर्स्ट हैंड सुनना चाहूँगा। तो हमारा मोटो हमेशा से ये रहा कि यार 75% शुड बी हैंड्स ऑन, टेक्निकल ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, तो हैंड्स ऑन शुड बी एटलीस्ट 75%, लेस थ्योरी मोर प्रैक्टिकल, विच अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज लैक। तो अब आई वॉन्ट टू हेयर योर वर्जन कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला जब आपने कोर्स लिया, उसमें हैंड्स ऑन कैसा था, हाउ इट वॉज डन, एंड हाउ यू स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड जॉब रेडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात किया आपने कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब उस तरह से हमें उतनी लेवरेज नहीं होती कि हम टीचर से ऐसे 1-to-1 जा के कोई चीज़ समझ सकें या लाइफ में। पहली बात तो ये थी, और जब मैंने पहला कोर्स लिया था बीए का, तो आई वाज वेरी शाई एट दैट मोमेंट कि अभी मैं थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं ये इंडस्ट्रीज़ के बंदे बैठे हुए हैं मेरे साथ, और उनको बहुत कुछ पता था। लाइक जब मैं उनकी तरफ़ देखता था, वो क्वेश्चंस पूछते थे या कुछ भी अपनी क्यूरीज लेके आते थे, तो आई वाज लाइक यार ये तो मतलब बहुत एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है। उनमें से कुछ लोग थे जो जिनके उस टाइम पर एक्सपीरियंसिस 4-5 ईयर्स के थे। तो देन जब आहिस्ता आहिस्ता कोर्स गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता हमें हैंड्स ऑन, और एक बात एक मैं और चीज़ ऐड कर दूँ, लाइक हम पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में गए, सो हमें कभी उन्होंने एक्सेल खोल के नहीं बताई कि एक्सेल के अंदर आपने इस तरह से फार्मूलाज लगाने हैं या वट एवर। तो वो ये होता है कि एक मिसकंसेप्शन होती है कि अगर पीछे से बैकग्राउंड से वो आ रहा है, वो कंप्यूटर साइंस में आ रहा है, तो उसको ये वाली चीज़ें पता होगी, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। जैसे मैं अब मैंने मैट्रिक जो सी है वो बायो के साथ की, देन एफएससी मैंने केमिस्ट्री के साथ की, तो आई वाज कभी मुझे प्रोग्रामिंग का पता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। सो जो मैं आया थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो मुझे पता चला कि यार ये भी चीज़ है। लाइक सिर्फ और सिर्फ सी या सी प्लस प्लस सीखने से आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाते हैं, बट इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है, तो इंडस्ट्री में तो आप ग्रोथ को देख रहे होते हो, आप डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हो कि क्या ROI निकल रही है बिज़नेस की, तो वो सारी चीज़ें मुमकिन कैसे हो सकेंगी, वो एक्सेल SQL और ये वाली सारी चीज़ें। तो फिर ये था कि हमारे जो हारून साहब थे, उन्होंने काफ़ी आप कह लें कि स्ट्रिक्टली जो सा है वो 75% ऑफ टाइम जो सा उन्होंने हमसे हैंड्स ऑन करवाया, बल्कि वो हमें स्टेज पे बुला लिया करते थे कभी कि आके आप हमें सॉल्व करके दिखाएं। तो ये चीज़ बड़ी मैंने पिक की, और मुझे भी एक वो आपके होता है ना कि एक इंस्ट्रक्टर अगर आपको स्टेज पे बुला ले तो आपको एम्बेरसिंग फील ना हो, तो आप कुछ होमवर्क करके भी आते हैं पहले से, तो वो हमने हमेशा होमवर्क किया मैंने, और होमवर्क करके मैं आया। तो ऑन वर्ड्स फिर इसी तरह डेटा वेयर हाउस, डेटा साइंस ये सारे किए, तो हमें एक मुझे बिल्कुल रिच आइडिया हो गया कि हाँ मैंने कहाँ पर जाना है, किस फील्ड को मैंने चूज़ करना है। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट में देखें तो कॉर्पोरेट में डेटा इंजीनियरिंग की टीम्स अलहदा और डेटा साइंस की टीम्स अलहदा, बट आई फेल इनटू द कंसल्टेंसी लेवल। तो कंसल्टेंसी के अंदर ये था कि आई वाज ऑल कि हमने डेटा पाइपलाइंस को भी मॉनिटर करना है, देन उसके बाद डेटा साइंस के यूज़ केसेस भी डेवलप करने हैं, देन उनकी पावर बी आई की रिपोर्टिंग भी देखनी है। सो ये इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। वो अगर 75% ऑफ द टाइम मैंने कोर्स में हैंड्स ऑन ना किया होता तो ये चीज़ें मुझे ना पता होती, तो मैं भी मतलब किसी ना किसी से पूछ रहा होता, बता रहा होता कि बहुत फंसा होता। अब सिचुएशन समझ लें कि आपको किसी ने अंधेरे कुएं में डाल दिया और पीछे से दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कंसल्टेंसी में कई दफ़ा। तो एक जंप स्टार्ट जो चाहिए होता है, एग्जैक्टली, वो एक अच्छा आपको मिल गया, और उसके बाद ऑब्वियसली आपकी अपनी मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, सो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू यू, आपने बाकी आगे जो स्ट्रगल की और मेहनत की और आपकी अचीवमेंट है। तो और दिस जंप स्टार्ट इज़ रियली नॉट टू बिग, नॉट टू डिफिकल्ट, और ये हर किसी का हक है, हर नया आने वाला इंडस्ट्री के अंदर उसका राइट बनता है उसको ये जंप स्टार्ट मिले, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स लैकिंग, और इसी पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वी प्लान टू यू नो इंक्रीज द रीच। आपको एक ब्रिज चाहिए होता है, मतलब आपको एक ब्रिज चाहिए होता है कि आपने एक इंडस्ट्री, आप एजुकेशन इंडस्ट्री से निकल के एक टेलीकॉम इंडस्ट्री या व्हाटएवर इंडस्ट्री आप जिसको भी आपने टच किया हुआ है, एक दरमियान में ब्रिज होता है। तो डाइस मुझे लगता है एक ब्रिज है कि जो एजुकेशनल करियर के बाद 6-7 महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की ले आता है इंसान के अंदर कि वो जाके इंडस्ट्री में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सके या कुछ भी, मतलब आप कह लें। सो अनिका, आप वो खातून हैं जिन्होंने 5 महीने के अंदर एक नॉन टेक फील्ड से ट्रांजिशन किया इनटू अ डेटा एनालिस्ट रोल, दैट्स एन अचीवमेंट इटसेल्फ। तो जब आप ट्रेनिंग ले रही थी डाइस में, तो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद द हैंड्स ऑन पार्ट व्हिच वाज डन इन द ट्रेनिंग? वेल, द बेस्ट थिंग अबाउट द हैंड्स ऑन वाज दैट कि यहाँ पे होता है नॉर्मली जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जब आप हैंड्स ऑन कर रहे होते हो और आप किसी चीज़ में स्टक हो जाते हो ना, तो वहाँ पे यू आर अलोन एंड यू डोंट नो हाउ टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल। बट डाइस में ये होता है कि आप
आपके इंस्ट्रक्टर हैंड्स ऑन कर रहे हैं और सारे पार्टिसिपेंट्स उनके साथ साथ हैंड्स ऑन कर रहे हैं, तो फिर ये होता है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो आप सबके साथ ओवरकम करते हो। जिस तरह डेटा वेयर हाउस का कोर्स था, उसमें जो टेरा डेटा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी फोल्डर पाथ का इशू है, कभी कोई इशू है, तो ये है कि वो जब इशूज़ आते हैं वो सब पार्टिसिपेंट्स के एक साथ आते हैं, सो यू लर्न फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट्स एंड यू आर इजिली एबल टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स, तो हैंड्स ऑन बिकम वेरी ईजी इन दैट सेंस। तो मैंने जो पावर बी आई का कोर्स किया उसमें भी यही था कि सारी स्टेजेस मैंने बहुत ईजिली परफॉर्म कर ली बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट विद अदर पार्टिसिपेंट्स एंड And I was able to learn very quickly. That's impressive. That's very impressive. So, Amit, अब 3 साल हो गए माशाल्लाह इंडस्ट्री में, अब तो आपसे लोग मेंटोरशिप लेने आते हैं, डाइस के अंदर भी माशाल्लाह ऑन एंड ऑफ काफ़ी जगहों पर इंगेज रहते हैं, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो कोई भी एक नया फ्रेशर या एक करियर शिफ्टर हु इज़ प्लानिंग टू स्टेप इनटू या एंटर इनटू डेटा साइंस एज अ करियर चॉइस, तो उसके लिए क्या आपकी एडवाइस है? व्हाट इज़ द रोड मैप दे शुड फॉलो? रोड मैप जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, लाइक अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का अवेयर होना, मतलब डेटा पाइपलाइन कैसे काम कर रही है। ठीक है, देखें डेटा साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है। अगर आप इंडस्ट्री में पहले एक कंपनी 4 डेटा साइंटिस्ट रखती थी ना, वो एक डेटा साइंटिस्ट रखती है, बिकॉज दे नो कि डेटा साइंस का काम सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग का काम है। मॉडलिंग के बाद उन्होंने इनसाइट्स निकाल ली हैं एंड दैट वो इनसाइट्स किसी भी चीफ लेवल को आपने प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो बट डेटा साइंटिस्ट ऐसे नहीं बन जाएगा ना। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पहले आपको डेटा एनालिस्ट देखना पड़ेगा कि डेटा एनालिस्ट क्या करता है। तो बेसिकली अगर किसी एक भी यूज़ केस को आप पकड़ें तो उस यूज़ केस के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम डेटा क्लीनिंग हो रही है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं और ये सब कुछ कर रहा है डेटा इंजीनियर। तो अब डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट में भी आप खुद को रखें और साथ में उससे पहले एसक्यूएल वाले पार्ट में भी रखें, तो ये एक कंबाइन जब आप पूरी लर्निंग करते हैं। लाइक अब अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कोर्सेज हैं एक्सेल है, एसक्यूएल है, उसके बाद डेटा वेयर हाउस है, देन डेटा साइंस है एंड देन बीआई रिपोर्टिंग है। तो आपको एक पूरा फेस पता चले, आफ्टर दैट आप उसमें देखें कि हम अब इसके अंदर हम कहाँ पे रिलाई करते हैं। मे बी आप डेटा क्लीनिंग के अंदर अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप क्योंकि डेटा साइंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी टेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आएगा तो तब तक मतलब वो स्टोरी टेलिंग भी आप जो सा डेटा एनालिस्ट एक पीछे से एनालिसिस कर रहा होता है उसकी बेसिस पे कड़ियाँ जोड़ जोड़ के एक स्टोरी बनाता है और आफ्टर दैट वो एक यूज़ केस प्रेजेंट होता है चीफ लेवल को और फिर पता चलता है एंड रिजल्ट। तो क्योंकि आपके चीफ लेवल के पास एक डिजिट्स में जा रहा होता है तो उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री एक डेटा साइंटिस्ट को पता होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर जो भी इस फील्ड में आना चाहता है तो वो स्टार्ट ले एक्सेल और एसक्यूएल से एंड आफ्टर दैट डेटा वेयर हाउसिंग एंड देन डेटा साइंस और फिर उसके बाद फिर आप बीआई वाली साइड पे आके देखें तो ये पूरा रूट है आपका। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं ना, हमारे पास भी जब आते हैं तो वे कहते हैं यार ये सारा कुछ हमने कर लिया, कोर्सेरा जिंदाबाद, यूडेमी जिंदाबाद, यूट्यूब के ऊपर एडुरिका की पूरी पूरी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, लेकिन अगेन दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि यार अच्छा मैंने ये भी कर लिया, मैंने एक्सेल भी सीख लिया, मैंने एसक्यूएल भी सीख लिया, ठीक है मैंने सीखा है लेकिन आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि मैंने कितना अच्छा सीखा है, तो वो वेरीफाई कौन करेगा? वो यू नो वो गेन नहीं हो रहा था कॉन्फिडेंस क्योंकि या आप आइसोलेशन में लर्निंग कर रहे हो सेल्फ बेस्ड मॉडल के थ्रू। तो डोंट यू थिंक कि एक क्लासरूम सेटअप के अंदर जब आप आके लर्निंग करते हो तो वहाँ पे और डिफरेंट मिक्स ऑफ यू नो बैकग्राउंड पीपल उधर मौजूद होते हैं, कोई सीनियर प्रोफेशनल है वो करियर शिफ्टर है, कोई एक फ्रेशर है, अक्सर एफएससी के बच्चे भी आए होते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो एक मिक्स्ड कल्चर होता है और यू गेट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर और लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आप गेन कर पाते हो, तो इस हवाले से आपकी क्या एडवाइस होगी? एग्जैक्टली और सेकंड एक तो कनेक्शंस की आप बात कर रहे हैं कि कनेक्शंस यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास CFOs आए होते हैं और कई दफ़ा जब आई वाज असिस्टिंग इन द कोर्स और वो मुझे ऐसे हाथ पकड़ के कह रहे होते हैं कि यार तू किधर काम कर रहा है, ठीक है तो तू हमारे पास आ जाए, इंटरव्यू भी नहीं देता, ठीक है। सो आई वॉज एग्जैक्टली, तो फिर एक तो ये कनेक्शंस की गेम है और दूसरा ये है कि जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस के अंदर जो भी हमारे पास ट्रेनर्स आ रहे होते हैं ना वो उस इंडस्ट्री के होते हैं जिस इंडस्ट्री को हम लोग हिट कर रहे होते हैं बेसिकली। अब मेरे टाइम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस था हरून साहब को और दैट वाज अकॉर्डिंग एट दैट मोमेंट ही गॉट 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते थे कि हाउ
कि एक डेटा आ गया आपके पास, तो इसके असर से इंसाइट्स हमने कैसे निकाली, हमने टेलीनॉर को, टेलीनॉर का रेवेन्यू किस तरह से बूस्ट किया, एट दैट मोमेंट वो टेलीनॉर में थे शायद, तो टेलीनॉर का हमने रेवेन्यू किस तरह से बूस्ट किया एंड देन ऑल दैट स्टफ के बाकी जो हमें हमारी डेली डेली के हमारे क्या गोल्स होते हैं, क्या टास्क होते हैं, तो इसी तरह से मतलब जब आप वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनके साथ तो आपको इंडस्ट्री का भी नॉलेज आ रहा होता है कि एट दैट मोमेंट मुझे नहीं पता था चर्न क्या होती है, सो आफ्टर ही टोल्ड अस के ये चर्न क्या चीज़ है, तो अब हम चर्न के ऊपर हमें बताएं वी आर द चैंपियंस ऑन चर्न प्रेडिक्शन ऑन द डोरमेंसी प्रेडिक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. सो सो अनिका, डाटा एनालिस्ट, एक अच्छा डाटा एनालिस्ट होने के लिए आप हमारी ऑडियंस को बताना पसंद करेंगी कि क्या क्या ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो होना ज़रूरी हैं, व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर यू नो द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. I would suggest them कि वो horizontal growth की बजाय vertical growth पे focus करें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जो data analyst के role पे आना चाह रहे होते हैं वो horizontally बहुत सारे skills gain कर रहे होते हैं, but वो उन specific ingredients को target नहीं कर रहे होते जो data analyst role के लिए चाहिए. और जिस तरह हमारे पास भी resumes आते हैं तो मैं उसमें देखती हूँ कि उनके पास बहुत से diverse skills होते हैं, but जो हमें skills required हैं उनमें उनकी vertical growth नहीं होती, specialization नहीं होती. सो आई वुड सजेस्ट देम कि वो एक नीश को सेलेक्ट करें, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करें और उन पे फोकस करें. फॉर एग्जांपल जिस तरह डेटा एनालिस्ट का रोल है तो उसमें वो एक्सेल से स्टार्ट करें, फिर एसक्यूएल पे मूव करें और फिर कोई एक बीआई टूल पर कर लें, पावर बीआई या फिर टैबलो, एंड देन लाइक एसक्यूएल को वो साथ में कर लें. तो इन इंग्रेडिएंट्स पे वो फोकस करें, उसके बाद फिर वो देखें कि देन दे कैन एक्सप्लोर बिग डेटा और अदर टूल्स इवेंचुअली डाउन द रोड. अच्छा, वैसे अब सरप्राइजिंग बात है कि अक्सर डेटा एनालिस्ट रोल्स के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा होता है, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गए कि यार अगर आपको कोडिंग नहीं आती डोंट वरी, यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट. पाइथन इज़ एन एडेड स्किल विच इज़ इवेंचुअली गोना हेल्प यू, या बट एवरी डेटा एनालिस्ट डजंट नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि पाइथन और उस तरफ अगर जाते हैं तो वो तो थोड़ा फिर स्क्रिप्टिंग साइड आ जाती है, थोड़ा मॉडलिंग साइड आ जाती है. पाइथन के बगैर आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बट एक ऐसी स्टेज आती है जिस पे आपको पाइथन रिक्वायर्ड होती है. जिस तरह अब जिस तरह मेरा रोल है तो उसमें डेली बेसिस पे मुझे पाइथन रिक्वायर्ड नहीं होती अगर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, बट देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू टैग सम डेटा, व्हेन आई हैव टू ऑटोमेट समथिंग, जिसके लिए मुझे पाइथन का स्क्रिप्ट रन करना होता है. सो एट द स्टार्ट अगर आप पाइथन लर्न नहीं कर रहे तो यू कैन परफॉर्म डेटा एनालिसिस, बट एक स्टेज आएगी जिसके ऊपर आपको पाइथन रिक्वायर्ड होगी. सो यू शुड लर्न पाइथन. स्टार्ट बेशक आप एक्सेल से करें, बट एक स्टेज पे आके लेकिन थैंक्स टू चैट जीपीटी एंड जेन एआई तो वो तो पाइथन के बने बनाए स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाते हैं सारे. यस, अगर आपको बेसिक्स आती हैं यू कैन यूज चैट जीपीटी. यस यस, एंड ओवरऑल पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी ह्यूमन काइंड. लैंग्वेज बैरियर वैसे भी काफ़ी ख़त्म हो गया है जनरेटिव एआई के आने से ना, जो अब आपको अगर मेन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना आपको कि हाउ द थिंग इज वर्किंग, तो आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर है नहीं उसके अंदर. एग्जैक्टली, सो अगर यूजली ये होता है कि यहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान में, रगड़ा खाया और उसके बाद फिर यू नो बाहर के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया. सो आपके आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप दोनों के व्यू में व्हाट इज़ अ गुड टाइम टू मूव अब्रॉड फॉर फर्दर प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज. देखें, अगर तो आप इधर चल रहे हैं ना और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? सो मतलब दो ही सिनेरियोज हैं, या तो आप इंडस्ट्री में चल नहीं पा रहे या फिर आपने इतना सीख लिया है कि अब आपको इधर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही. तो इन दोनों सिनेरियोज में जा सकते हैं, बट स्टिल राइट नाउ मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं काफ़ी. अच्छा. तो अभी मेरा तो प्लान नहीं है जाने का, बट स्टिल आस्किंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. तो अगर कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली तो जा भी सकते हैं, बट स्टिल ये है कि अगर आपने यहाँ पे 3-4 साल रगड़ा खा लिया सो आप रेडी हैं बाहर जाने के लिए ना. बाकी ये है कि ऑन प्रिमिसेस यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लाइक अगर आप पाइथन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीरियस मतलब ऑन द वेरी ग्राउंड लेवल यहाँ पे हमारे पास अभी ऑन प्रिमिसेस ही चीज़ें चल रही हैं. बट अगर हम बाहर देखते हैं जर्मनी, अगर हम बाहर देखते हैं तो वहाँ पे क्लाउड साइड अभी तक काफ़ी इंगेज हो चुकी है. क्लाउड पे हम यूज़ केसेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो आपने पहले बात की है नॉन कोडिंग वाली, तो वो नॉन कोडिंग वाली अप्लाई हो रही है अभी ना बाहर. बट स्टिल यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में रगड़ा इसी वजह से है क्योंकि ये ऑन प्रिमिसेस काम करवा रहे हैं, और ऑन प्रिमिसेस में आपका कॉन्सेप्ट इतना, आप उस पर इतना ग्रिप पकड़ लेते हैं कि आपको फिर क्लाउड वाली चीज़ बहुत मतलब आप कहने हलवा लगती है. तो
ये इस तरह से। बिल्कुल अनिका, व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरा आंसर इनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। वेल दैट इज़ सब्जेक्टिव, यू शुड अप्लाई अब्रॉड एंड यू शुड गो देयर एज सून एज यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको लगे कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं और अब आप बाहर की जॉब मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल सर्कमस्टांसिस एंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। बट मेरे ख्याल में जब आपको फील हो कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं, अब आप उस मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, यू शुड स्टार्ट लुकिंग सो दैट यू कैन, यू नो, यहाँ पे अगर आपको फील हो रहा है कि यू हैव अचीव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू शुड ऑप्ट फॉर फॉरेन एक्सपीरियंस। परफेक्ट। सो अहमद, मेंटोरशिप के बारे में बताइएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे मेंटोर्स रहे जिन्होंने आपको हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में? स्टार्टिंग फ्रॉम डाइस, डाइस में सबसे पहले अली रंजन अंजुम, मेरे जो आप कह लें कि रूट, जिसको रूट कहते हैं ना, उन्होंने रूट निकाली, बुनियादें खड़ी की उन्होंने। और आफ्टर दैट कुछ चीज़ें मैच्योर हो चुकी थी, समझ आती थी डेटा वेयर हाउस का और सारी चीज़ों का, देन मैं ब्लूटेक कंसल्टिंग का पार्ट बन गया। ब्लूटेक कंसल्टिंग में मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, मेरा मैनेजर हसन नवाज, ही इज़ सच अ यू नो जेंटल पर्सन, और उन्होंने बहुत आराम आराम से आप कह लें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, सबसे पहले वोडाकॉम साउथ अफ्रीका के साथ मुझे इंगेज करवाया, देन आफ्टर एसटीसी बहरीन, एंड आफ्टर एसटीसी मुझे अलाइड बैंक में मैं अब लीड कर रहा हूँ। तो इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर कुछ दफ़ा प्री सेल्स की चीज़ें भी मैंने की काशिफ जदून के साथ, सो उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बहुत काम किया। अगर अच्छा। अभी मैं कहूँ कि मैं किसी चीफ लेवल के सामने खड़ा हो सकता हूँ, तो वो काशिफ भाई की वजह से, शम्स भाई की वजह से, हमजा खालिद ने बहुत इंप्रूवमेंट लाई है उसके अंदर। तो बाकी भी काफ़ी मेंटर्स मिले मुझे ब्लू टेक कंसल्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो ना, सो देर इज़ अनदर पर्सन जो उस चीज़ का चैंपियन है, ठीक है, तो वो आपको गाइड भी करता है, आपको मेंटोर भी करता है, एंड देन आप वो चीज़ एक दफ़ा आप उस अपने हाथ से गुजार लिया है, देन आपको उसके ऊपर कोई मसला नहीं होने लगा। तो मैं कहूँगा कि इन जैसे मेंटोर सबको मिलें, ठीक है, और बस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैटर्स। हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है ना, फ्लैट हायरार्की, तो वो बड़ा मैटर करती है कि मतलब यू गेट टू एक्चुअली गेट, मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर यू नो एट द लेट्स से एंट्री लेवल, आप अभी फ्रेश हो वहाँ पे जा रहे हो, और अभी लेट्स से एक साल हुआ है आपको, दो साल हुए हैं, एंड यू गेट टू गेट द मेंटोरशिप फ्रॉम योर CEO, वो एक बहुत बड़ी बात है। Exactly. वरना तो यू नो बीच में इतने लेवल्स होते हैं कि आप तो एक CEO को तो ईमेल भी नहीं कर सकते आप। Exactly. नहीं, हमारे जो CEO है ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, सीरियसली। हाँ। वो हमारे साथ आके बैठते भी हैं, हम वीकेंड पे फुटबॉल भी खेलते हैं उनके साथ। तो वो बड़े, वो मतलब आप कह लें कि ग्राउंड टू अर्थ इंसान है, और वो मतलब बड़े हमारे साथ फ्रेंडली होके, और एक दफ़ा मुझे याद है एक क्लाइंट था और उन्होंने मतलब मुझे कहा कि प्रेजेंटेशन आप बनाएं, और प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ और वो क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही, तो क्लाइंट ने भी आगे प्रेजेंट करनी थी बेसिकली। तो हम बार बार प्रेजेंटेशन में चेंज कर रहे हैं, देन उन्होंने कहा बिल्कुल इसको ना ले मैन टर्म में ले जाओ। तो मैं भी थक चुका था, तो मैंने वही काम यही को कहा, मैंने कहा चले आप कर दें। तो देर वॉर सम सेंटेंसेज, वो इस तरह के सेंटेंसेज थे कि, हाँ, वो कुछ सेंटेंसेज थे कि वो मेरे साथ बैठ के उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ी और हंस हंस के कह रहे हैं यार तूने मेरा मूड फ्रेश कर दिया, ठीक है, हालांकि वो चीज़ गलत थी। हाँ। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं तो वो वहाँ पे मुझे मतलब कहते हैं कि यार ये तूने क्या किया और वॉट एवर, पर नहीं, उन्होंने कहा तू इसको रिवाइज कर और मुझे भेज, ठीक है। बट उन्होंने उधर बैठ के मेरे साथ पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ी, हंसे मेरे साथ खुल के, और इस तरह से बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है हमारा वहाँ पे। तो अनिका, अली रज़ा हैज़ बिन योर मेंटोर, और तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसके अलावा भी आपके अगर मेंटोर्स हैं तो उनके बारे में भी हमें हमारे साथ शेयर करें। आई थिंक योर हस्बैंड इज योर मेंटोर एज़ वेल। यस, ही इज़ माय हस्बैंड, माय ब्रदर। ओके, सो दे आर लाइक दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। बट उसके अलावा लाइक जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे जो मेरी मैनेजर थी, सादिया मालिक नाम था उनका, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, दिस इज़ फॉर यू। लाइक मेरी वो फर्स्ट जॉब थी, और लाइक शी न्यू दैट आई एम ए फ्रेश ग्रेजुएट और मुझे इंडस्ट्री का नहीं पता, मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन का नहीं पता, सो शी वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु हेल्प मी थ्रू दैट जर्नी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा इस तरह लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चीज़ें लेके चलनी है, एंड शी मोटिवेटेड मी टू पार्टिसिपेट इन सो मेनी साइड एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हेल्प मी इन माई करियर। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे डाइस कैंप में ऑब्वियसली सर अली रज़ा अंजुम, ही इज़ द पर्सन बिहाइंड द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, एंड ही स्टिल हेल्पिंग मी इन माई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी तक मैं उनसे लर्न कर रही हूँ।
So yes, these two people are like the main. Perfect. Impressive. So thank you so much, guys, for coming. And I'm grateful. Thank you for your time. And thank you for sharing such beautiful advices and your experiences. I hope a lot to learn for others who watch this. So that's all from my side. Thank you very much. Take care. सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बड़ी मुस्तफ़ीद साबित हुई होगी. और अगर वाकई में अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड आइडियाज़ फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. फी अमान अल्लाह.